आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के जेर एहतमाम ग्यारहवीं शरीफ का इज्तिमा मुनक्किद किया गया। कोठरी के इलाके खुदा की बस्ती के करीब आस्थाना गौहर शाही में आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के जेर एहतमाम 32वें जश्न ग्यारहवीं शरीफ का इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत साहबजादा तलत महमूद ने की। इस इज्तिमा में मुल्क भर से और बैरून ममालिक से मुत्तहिदा अरब इमारात, लंदन, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, चीन और मस्कत से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए आलमे दीन अल्लामा मुफ्ती अजीबुल कादरी, सैयद अहमद कादरी और मारूफ स्कॉलर चौधरी अजहर नवाज ने कहा कि आज दुनिया की सशक्ति इंसानियत को सहारा औलिया अल्लाह की तालीमात से ही मिल सकता है और सैयदना गौस आजम का रूहानी फलसफा रूहानियत का मरकज और महवर मार्फत खुदाबंदी का हुसूल है, जिनकी तालीमात पर अमल पैरा होने वाले फकत के बुलंद बाला मुकामात पर फायज हुए। हमारा मकसद इंसान के गाफिल दिल को जिक्र इलाही की तरफ मायल करना है। हाल